हम खड़े हैं उमर फारूक की मस्जिद खड्डेबाड़ी की, वहाँ पर जहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अकील भाई, जो कि यहाँ के काफ़ी सालों के सोशल वर्कर हैं और शिवसेना के साथ भी जुड़े हुए हैं, उप शाखा प्रमुख हैं यहाँ के। आइए हम जानते हैं आज 12:30 बजे की जो घटना यहाँ पर हुई है, दोनों BMC वार्ड के जो कर्मचारी थे जो यहाँ पर काम करते थे और आपस में उनकी क्या ऐसी अनबन हो गई जो कि एक दूसरे के ऊपर चाकू से वार करना उनको जायज लगा। आइए हम जानते हैं अकील भाई की जुबानी। अकील भाई क्या बताना चाहेंगे आज जो घटना हुई है? पहली बात तो ये BMC के वर्कर नहीं थे, ये BMC के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रहते, प्राइवेट वर्कर ये वो थे। और सुबह में कुछ 11:30-12 बजे की ये बात है, कुछ उन लोगों का बोलना जो BMC के मुकादम है उनका बोलना ये है कि उन लोग का कुछ आपस में बैठ के दोनों बात कर रहे थे तो कुछ पैसे के लेके लिए अनबन हुई उनमें, या इससे पहले भी कुछ मसला चल रहा था उन लोग का पैसे का। तो जिसने मारा है वो पहले से वो छुरा लेके आया हुआ था, नारियल काटने का रहता है ना जैसा बड़ा छुरा मलवारी लोग का, वो लेके आया हुआ था। और जिसको मारा है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, मुकादम है इन लोग का, जो जैसे BMC को जो प्राइवेट वर्कर लगते अभी इन लोग हाउस गली और ऐसा ये सब सफ़ा करते थे तो ये प्राइवेट लोग थे BMC के, तो इसमें कुछ पैसे का इशू था बोलते, तो उसने उसको बात बात में उसके ऊपर 2-3 वार किया, जिसमें से उसका पूरा पेट फट गया, अतड़ी अतड़ी बाहर आ गई वे धर्मा की जो मुकादम था। और उसके बाद में वो यहाँ से उठ के, इतने में मेरे को एक ने कॉल किया, बोले अखिल भाई ऐसा ऐसा हो गया है नीचे अपने मोहल्ले में। तो मैं नीचे उतर के आया, मैं देखा तो वो इधर था, उसको देखा, मैं बोला भाई किसने मारा? तो वो जो इसने मारा वो उठ के जा रहा था, तो उसके पहला मैं रुकाया उसको, लेकिन फिर थोड़ा मैं भी हिचकिचाया, मैं बोला भाई उसके हाथ में कुछ हथियार हथियार तो नहीं है? तो उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसको पकड़ के फिर इधर बिठाया, बोला बैठ इधर गाड़ी आए तक। हालांकि वो नशे में था, नशे की हालत में था फुल। फिर JJMR पुलिस स्टेशन में वैसे ही मैंने कॉल किया डायरेक्ट सीनियर साहब को, सीनियर साहब ने फ़ौरन गाड़ी भेजे और इतने में उसको डोंगरी की भी आए लोग, डोंगरी की शबाना मैडम भी आया, पूरा डोंगरी का स्टाफ, JJ का स्टाफ आया, फिर इतने में उसकी वाइफ आई धर्मा की जिसको मारे। तो जैसे ही उसने नाक दबाई ना उसकी तो वो थोड़ी सांस लेने लगा, तो फिर हमारे JJMR के PI वागरे साहब थे, तो उन्होंने फिर उसको पुलिस की वैन खड़ी थी उसमें, पुलिस की वैन में जल्दी जल्दी डाले, बोले भाई इसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाओ, शायद बोले बच जावे, लेकिन अफसोस के बेचारा मर गया वो। पुलिस ने अरेस्ट किए? हाँ उसको तो, वो तो जब आया तो इधर ही मैं बिठा के रखा था उसको, और जैसे ही पुलिस आई तो मैंने फ़ौरन उसको पुलिस के बता दिया, मैं बोला भाई ये है इसने मारा। तो पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद करी है, सब कुछ मिला जगह पर ही, सब वो लेके बैठा हुआ था। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ऐसी पहली घटना नहीं, ऐसी कई बार यहाँ पर जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे JJ पुलिस स्टेशन में वहाँ के सीनियर PI से कि उनका क्या कहना है इस घटना के बारे में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं JJ पुलिस स्टेशन के सीनियर PI सुभाष बरोड़े साहब, इनसे हम जानते हैं आज जो 12:30 के दरमियान जो घटना हुई है खड्डे की बाड़ी में उस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सर बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो 12:30 के दरमियान जो घटना हुई है, एक आरोपी ने एक का मर्डर किया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? एक आरोपी है ब्रिजेश कुमार सुरेश प्रसाद, ये 40 वर्ष उम्र का है। इसके ऊपर पहले अल्टी मार्ग में 2017 में इसने अपने वाइफ का सस्पेक्ट के ऊपर मर्डर किया था, उसका सजा भुगत के अभी ये 26 जनवरी 2023 में बाहर आया है। उसके बाद में उसका एक वाइफ का और किसी कॉन्ट्रैक्टर का, BMC कॉन्ट्रैक्टर से कोई ताल्लुकात थे, उसके अफेयर्स थे, ऐसा उसका सस्पेक्ट था। उसका गुस्सा दिल में रख के इन्होंने आज ये खड्डे के वाड़ी के BMC ऑफिस के बी वार्ड के ऑफिस से, छोटा ऑफिस है वहाँ पे इनका दोनों का तुतुमय हो गया और इन्होंने चाकू निकाल के ये धर्मा नाम के वो जो BMC कॉन्ट्रैक्टर है उससे पेट में डाल के उसका कत्ल किया है। अक्यूज को हमने तुरंत ताबे में ले लिया है और वो उनका आगे का प्रोसेस चालू है, गुना दाखिल कर रहे हैं। सर वहाँ के कुछ रहवासियों का कहना है कि जिस जगह पे जो मर्डर हुआ है आज, वहाँ पर ऑलरेडी रात के टाइम जो है नशेड़ी लोग जो है अपना बसेरा बसाते हैं, उस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, उसके बारे में हमारे डिटेक्शन के लोग रात में घूमते हैं, जो जो ऐसे लोनली प्लेसेस है जहाँ पे लाइट नहीं है, कम ये नहीं है, वहाँ पे घूम के कार्रवाई कर रहे हैं।
हम जो ड्रग के केसेस है, एनडीपीएस के कंजम्पशन के केसेस है, उसके बारे में हमारे कार्रवाई चालू है। इससे भी आगे ऐसा कोई नए हो इसकी हम दक्षता ले लेंगे उसमें। सर, जो आज जो मारा गया है तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई कि मतलब हॉस्पिटल लाने के बाद में? डेथ बिफोर एडमिशन हो गया, उसको हमने तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे मयत घोषित किया था, डेथ बिफोर एडमिशन है। ये थे हमारे साथ में जे पुलिस कमिश्नर सीनियर पीआई साहब सुभाष बरोड़े साहब, जिन्होंने बताया कि जे हॉस्पिटल में लाने के बाद में जो है डेथ घोषित किया गया है, और अभी देखना ये है कि क्या कार्रवाई इसके ऊपर की जाती है क्या नहीं। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।